का जमावड़ा है, सभी की निगाहें दो सीटों पर। उत्तर प्रदेश की दो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही। हफ्तों नहीं महीनों से इस बात की चर्चा थी कि रायबरेली और अमेठी से कौन कांग्रेस की तरफ से होगा कैंडिडेट, लेकिन फाइनली फैसला हो गया है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि अमेठी से केएल शर्मा को, किशोरी लाल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। जो राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात को जानने के बाद अलग अलग तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है सही है फैसला, कोई कह रहा है नहीं, उतना बेहतर फैसला नहीं है, इससे बेहतर कोई विकल्प तलाशा जा सकता था। अमेठी सीट को यूं छोड़ देना, जो कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, ये कांग्रेस के लिए हितकर साबित नहीं होगा। अलग अलग कयास हैं और इन्हीं कयासों के बीच में यहां राहुल गांधी के पहुंचने की तस्वीर सामने आ गई है। रायबरेली के लोग जरूर आज इन तस्वीरों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे, खासतौर पर वो लोग जो गांधी फैमिली को पार्टी नहीं बल्कि अपने परिवार के तौर पर देखते हैं, कांग्रेस को अपना परिवार मानते हैं। अभिषेक सिंह इंडिया न्यूज संवाददाता जब लोगों से बात कर रहे थे तो दशकों पुरानी यहां की विरासत के बारे में भी बताया, गांधी फैमिली से क्या कनेक्शन है ये भी बताया, और कनेक्शन बताते हुए ये बताया कि राहुल गांधी भारी मतों से जीतने वाले हैं, यानी कि जो रायबरेली की जनता है वो फुल सपोर्ट करेगी, इस तरह की संभावनाएं ज्यादा नजर आती हैं। और शायद गांधी फैमिली भी इस बात को जानती है कि रायबरेली जहां पर राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, हालांकि पहले दोनों भाई बहन राहुल गांधी प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की खबरें थी, फिर खबर आई कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी या फिर लड़ना नहीं चाहती हैं। ऐसे में पहले माना जा रहा था कि शायद अमेठी से राहुल गांधी और फिर रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में रहेंगे, लेकिन फिर खबर आई कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं और अब तो फाइनल हो चुका है, रायबरेली से राहुल गांधी चुनावी मैदान में। और अब आगे बढ़ते हुए अब नॉमिनेशन की चूंकि तारीख है, नॉमिनेशन भरने के लिए फैमिली पहुंची हुई है। माँ सोनिया गांधी हैं, बेटे राहुल गांधी, बहन प्रियंका गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी पहुंचे हैं। नामांकन आज भरा जाएगा और रायबरेली से चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए राहुल गांधी नजर आने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ चर्चा इस बात की भी है कि अगर सीधे नॉमिनेशन के दिन अगर राहुल गांधी रायबरेली पहुंच रहे हैं तो क्या उसके बाद रायबरेली की जनता के बीच में मौजूद रहेंगे, क्या उनके बीच कनेक्ट बनाने की कोशिश होगी क्या, या फिर यूं अचानक आना, नॉमिनेशन करना और फिर क्या वापस चले जाएंगे, ये ऐसे कई सवाल हैं जो बने हुए हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जिस वक्त प्लेन से उतरे ही थे, लैंड किया था, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी साथ में मौजूद, एक साथ आगे बढ़ते हुए चलते हुए, चूंकि आज खास दिन है राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य का भी, ऐसे में आज नॉमिनेशन रायबरेली से भरा जा रहा है। सोनिया गांधी इस सीट पर जीतती आई हैं और सोनिया गांधी के बाद अब राहुल गांधी इस परंपरा को क्या आगे बढ़ा पाएंगे, गांधी फैमिली की ये परंपरागत सीट रही है, कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसे में क्या राहुल गांधी इस परंपरा को आगे बढ़ा पाएंगे। हालांकि कोई सामने उस तरीके से बड़ा फेस नहीं है, इसलिए भी ये संभावनाएं ज्यादा हैं। रायबरेली से बीजेपी के कैंडिडेट हैं दिनेश प्रताप सिंह, जिनके सामने राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं। मीडिया कर्मी इस कोशिश में कि शायद कुछ रिएक्शन मिल जाए, बातचीत हो जाए, कुछ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी कुछ बोलें कैमरे के सामने, लेकिन अक्सर हमने देखा है जब नॉमिनेशन के लिए जा रहे होते हैं या फिर जब तैयारी रहती है तो पहले पूजा पाठ रहती है, तैयारी रहती है, और नॉमिनेशन के बाद में फिर रिएक्शन सामने आते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, अभी फिलहाल जो गांधी फैमिली है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, किसी भी तरह से सवाल का जवाब नहीं दिए जा रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अब गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ गए हैं। ये देखिए माँ सोनिया गांधी के साथ में राहुल गांधी आगे जाते हुए, आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे रायबरेली से। अमेठी सीट छोड़ दी है राहुल गांधी ने, क्योंकि जिस तरीके से स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा उन्हें, उसके बाद चर्चा बहुत सी थी कि क्या ये सीट छोड़ देंगे। वायनाड में चुनाव हो चुका है, स्मृति ईरानी ने चुनावी भाषणों में खूब तंज कसे राहुल गांधी को लेकर, कांग्रेस को लेकर, और ये भी कहा चूंकि वायनाड में अब चुनाव हो गए हैं, अब फिर यहाँ पर आएंगे ऐसा तो कोई नहीं करता, परिवार भी कभी बदले जाते हैं क्या। स्मृति ईरानी जो कि लगातार अमेठी के लोगों के बीच पहुंचती रही, अपना घर भी वहां पर बनाया, गृह प्रवेश भी किया, ये एक तरीका भी होता है वहां के लोगों को ये एहसास कराने का कि हम यहीं से हैं, आपके बीच में हैं, आपके लिए हैं। ये तस्वीर
पहुंच चुके हैं रायबरेली राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, और अब आज नॉमिनेशन की तैयारी है।